दोस्तों, भगवान शनि देव का नाम सुनते ही लोगों में डर पैदा हो जाता है। ऐसा लगने लगता है जैसे अब तो बहुत बड़ा अहित होने वाला है। हम शनि देव को अपना शत्रु मान बैठते हैं, लेकिन दोस्तों, शनि देव के प्रति हमारी ऐसी धारणा सत्य नहीं है। शनि देव हमारे शत्रु नहीं बल्कि मित्र हैं, जो अहित से कई ज्यादा हमारे हित के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या करें, शनिदेव सृष्टिकर्ता के इशारों पर चलने पर विवश हैं। वे स्वयं किसी का अहित नहीं करते, बल्कि वो तो हमारी रक्षा करते हैं, हमें इच्छित फल प्रदान करने का हर समय प्रयास करते हैं। आपको शायद मेरी बातों पर विश्वास ना हो, इसलिए आज मैं आपको ले चलूंगा महाराष्ट्र के अहमदनगर क्षेत्र में, जहाँ शनिदेव एक शिला के रूप में अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, और उस दिव्य शक्ति का नाम है शनि शिंगनापुर। कहते हैं कि एक बार एक चरवाहे को अत्यंत काले रंग की शिला नजर आई। उसने उस शिला को स्पर्श किया तो उसमें से रक्त बहने लगा। वो चौंक गया। उसने तुरंत ये बात गांव वालों को बताई। ये सुनकर सभी गांव वाले दौड़कर उस शिला के पास गए और उस शिला को उठाकर ले जाने का प्रयास करने लगे, लेकिन शिला इतनी भारी थी कि कोई भी उसे हिला तक ना सका। तभी उसी रात चरवाहे के सपने में स्वयं शनि देव आए और उसे उस शिला के बारे में बताया कि उस शिला के रूप में वो स्वयं यानी शनि देव विराजमान हैं, जो कि उनका स्वयंभू रूप है। चरवाहे ने हाथ जोड़कर उनसे उनके मंदिर बनाने की बात कही, लेकिन शनि देव ने मंदिर बनाने के लिए मना कर दिया और कहा कि उन्हें किसी छत की आवश्यकता नहीं है, ये आकाश ही उनके लिए छत है और वो अन्य किसी भी छत के नीचे रहना पसंद नहीं करते। इसके बाद उस शिला को बड़ी मुश्किल से उठा कर ले जाया गया और पूजा अर्चना के बाद स्थापित कर दिया गया, वो भी खुले आसमान के नीचे। तब से लेकर आज तक शनि शिंगनापुर शिला के रूप में खुले आसमान के नीचे अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। कई बार उनके भक्तों ने मंदिर बनवाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। यहाँ तक कि एक नीम के पेड़ की छांव भी शनि देव को सहन नहीं हुई। पेड़ के जिस हिस्से की छांव शनि शिंगनापुर पर पड़ती थी, उतना हिस्सा या तो टूट जाता था या फिर जलकर राख बन जाता था। ये बात लगभग 12 से 15 वर्ष पहले की है, जब शनि शिंगनापुर के उत्तर दिशा में एक नीम का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ ने कई बार शनि देव को छांव देने का प्रयास किया, लेकिन वो कभी भी अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका। जब भी उस पेड़ की टहनी बढ़कर शनि देव को छांव देने की कोशिश करती, वो या तो जल जाती या फिर टूट कर गिर जाती, लेकिन किसी को भी कोई नुकसान पहुँचाए बिना। एक अविश्वसनीय चमत्कार तो तब हुआ जब लगभग 20 से 30 साल पहले इसी नीम के पेड़ पर आसमान से बिजली टूट पड़ी। बिजली गिरते ही नीम का पेड़ आग में जल उठा। कई घंटों तक प्रयास करने के बाद उस पेड़ की आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक वो पेड़ जड़ तक जल उठा था। इतनी बुरी तरह जलने के बाद भी ये नीम का पेड़ राख में नहीं बदला। और आश्चर्य तो तब हुआ जब अगले ही दिन वो पेड़ फिर से हरा भरा होना शुरू हो गया। ऐसा लगा मानो किसी चमत्कार ने उस पेड़ को पुनर्जीवित कर दिया हो। लोगों का कहना है कि उस पेड़ के बगल में ही एक विवाह कार्यक्रम चल रहा था, जिसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शनि देव का प्रभाव इस गांव में इतना है कि यहाँ लोगों के घरों में दरवाजे तक नहीं है। उनका विश्वास है कि जब शनि शिंगनापुर उनकी रक्षा कर रहे हैं तो कोई उनका नुकसान कैसे कर सकता है। कभी भी जिसने घरों में चोरी करने का प्रयास किया, वो उस गांव से बाहर नहीं जा सका और उसे चोरी का परिणाम भुगतना ही पड़ा। तो दोस्तों, ये शनि देव की महिमा ही है, जो ये बताने के लिए काफी है कि शनि देव शनि शिंगनापुर के रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है और अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। शायद अब आप शनि शिंगनापुर की शक्ति को समझ ही गए होंगे और ये जान ही गए होंगे कि शनि हमारे शत्रु नहीं बल्कि मित्र हैं। जय शनि देव।
तो दोस्तों, रोचक तथ्यों का आज का सफर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और इसी तरह की रोचक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।